हेलो हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। और इससे पहली दो लेक्चर्स जो हैं वो आपने बिजनेस स्टडीज के देख लिए होंगे। साल कमिटमेंट के साथ पूरा साल आपको प्रिपेयर कराएंगे हम, अकाउंटेंसी भी, बिजनेस भी और इकोनॉमिक्स भी। अभी तक अकाउंटेंसी बिजनेस स्टडीज़ की क्लास शुरू कर चुके हैं और इकोनॉमिक्स की बहुत जल्दी शुरू होने वाली है। अगर आपने अभी तक हमारी लास्ट दो लेक्चर्स बिजनेस स्टडीज़ के नहीं देखे हैं तो जाकर देख के आइएगा। मैं आई बटन में और डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। साथ ही अकाउंटेंसीज की क्लासेस भी शुरू हो गई हैं, दो लेक्चर हम ले चुके हैं। वो भी आपने नहीं देखे हैं तो प्ले नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं उनका भी लिंक दे दूंगा, आप उनको भी देख के आइए। अगर ये आपकी पहली क्लास है तो इसको यहीं पर पॉज कीजिए और जाइए पहले दो क्लास बिजनेस स्टडीज की देख के फिर इस क्लास पर वापसी कीजिएगा, क्योंकि सिक्वेंशियल तरीके से हम चल रहे हैं। ये है हमारा थर्ड लेक्चर पहले चैप्टर का, जिसमें हम आपसे आगे बात करने वाले हैं, क्योंकि लास्ट क्लास में बच्चे बता रहे थे कि वॉइस का कुछ इशू हो गया था लास्ट क्लास में, जो बिल्कुल लास्ट पोर्शन चल रहा था वहां पे। तो हमने मल्टी डाइमेंशनल तक आपको एक्सप्लेन करा दिया कर दिया था बेटा जी। हमने साथ में आपको एक बात और बोली थी, हमने आपको लर्न करने की एक टेक्निक बताई थी, मेरे हिसाब से याद होगी आपको टेक्निक। अगर याद नहीं है तो मैं एक बार लिख के दिखा देता हूँ। मैंने बोला था बच्चों आपसे कि क्या हुआ था, मैंने आपसे बोला था बच्चों जी, डायनामिक गर्ल्स ग्रुप यूजिंग माई इंस्टा कॉन्टिन्यूअसली। मैंने इस तरीके से आपको याद कराया था, डायनामिक तो मेरे बेटा जी ऐसे ही था, उसके बाद वहां पर गोल ओरिएंटेड प्रोसेस था, ग्रुप एक्टिविटी था, यहाँ पे यूनिवर्सल या परवेसिव था, एम का मतलब मल्टी डायमेंशनल था। यहां तक हम खत्म करके आ गए थे आपके लास्ट लेक्चर में। आज हमें बात करनी है आपके इंस्टा। इंस्टा का बेटा जी हमें केवल आई लेना है, जिसमें हमारा आई से मतलब होता है कि की कैसा की सर, इनटेंजेबल फोर्स। तो कहना यह चाहता है मैनेजमेंट एक इनटेंजेबल फोर्स है, जैसे आपको ये पिक्चर दिखाई दे रही है और ये पिक्चर आपको क्या बता रही है, मैनेजमेंट एक इनटेंजेबल फोर्स की तरह है, आप इसको सीन नहीं कर सकते। जैसे ये आदमी देख नहीं सकता, ऐसे ही आप मैनेजमेंट की प्रेजेंस को फील कर सकते हैं, देख नहीं सकते हैं। तो इसमें हमें बस यही लिखना है कि मैनेजमेंट को आप फील कर सकते हो लेकिन देख नहीं सकते हैं। मैनेजमेंट को हम कैसे फील कर सकते हैं सर, एक ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज बहुत सेटिस्फाई हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज को हाई सैलरी मिल रही है, तो इस टर्म में आप देख सकते हैं कि वहां पर मैनेजमेंट प्रेजेंट तो है, ऑर्गेनाइजेशन अच्छा प्रॉफिट कमा रही है, ऑर्गेनाइजेशन की गुडविल अच्छी है, सर्वाइवल अच्छा है। इन चीजों को देखकर आप हिसाब लगा सकते हैं कि इस ऑर्गेनाइजेशन का मैनेजमेंट बहुत बढ़िया है। आप फील कर सकते हैं मैनेजमेंट की प्रेजेंस को लेकिन उसको देख नहीं सकते हैं, यही बात बोल रहा है। कह रहे हैं कैन नॉट बी सीन, इसको देखा नहीं जा सकता है, बट इट प्रेजेंस कैन बी फील्ड, आप महसूस कर सकते हैं कि हाँ जी ऑर्गेनाइजेशन में क्या है, ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन रेगुलर अपने गोल टारगेट अचीव करती जा रही है। तो ऑर्गेनाइजेशन अपने टारगेट अचीव कर रही है, इसका मतलब मैनेजमेंट अपना काम कर रहा है, आपको दिखाई नहीं देगा, फील कर सकते हो। अकॉर्डिंग टू द प्लान हम चल रहे हैं, एम्प्लॉयज बड़े हैप्पी हैं और सेटिस्फाई हैं, इन सब चीज को देख के आप हिसाब लगा सकते हो हाँ जी मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट अपना काम अच्छे से कर रहा है। जैसे कि सर ये सर्च इंजन गूगल, सबको गूगल पे सब कुछ ढूंढते हैं, आज हमने यहाँ गूगल को ढूंढ लिया, तो जैसे सर गूगल में क्या मैनेजमेंट है या नहीं है, हाँ जी बिल्कुल है गूगल में मैनेजमेंट, इतना बड़ा सर्च इंजन है, इतने सारे एम्प्लॉयज जो काम करते हैं सबको मैनेज कर रखा है, सब एम्प्लॉयज की अर्निंग जो है बहुत ही ज्यादा है, बहुत रेपुटेड है, हाँ तो इन सब चीज को देख के हम हिसाब लगा सकते हैं जी सर जी कि गूगल में क्या है। गूगल एक मैनेजमेंट वाली कंपनी है, वैसे आपको बताया भी नहीं है तो आगे बता देंगे। चलिए जी अब आगे बात कर लेते हैं, फर्दर आगे बात कर लेते हैं हम किसकी, कॉन्टिन्यूस प्रोसेस की। चलिए जी नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। तो अब ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस क्या है, मीन्स सर आपने पढ़ाया था स्टार्टिंग में ही बताया था मैनेजमेंट एक प्रोसेस है, प्रोसेस में हमने क्या पढ़ा था, प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग स्टाफिंग डायरेक्टिंग कंट्रोलिंग, इसको हमने मैनेजमेंट की प्लानिंग को हमने ऐसे भी याद किया था बेटा जी, पोज डी के कंट्रोल, हमने इस तरीके से मैनेजमेंट की प्लानिंग को लर्न किया था। तो जो मैनेजमेंट की सर ये प्रोसेस है, प्लानिंग नहीं सॉरी बेटा, जो मैनेजमेंट का प्रोसेस है, तो क्या मैनेजमेंट का ये जो प्रोसेस है जिसमें हम प्लानिंग करते हैं,
या इस प्रोसेस में हम ऑर्गेनाइजिंग करते हैं या इस प्रोसेस में हम स्टाफिंग करते हैं, तो आप हमें ये बताइए कि क्या एक बार करने के बाद, प्लानिंग करने के बाद दोबारा नीड नहीं पड़ेगी? क्या एक बार ऑर्गेनाइजिंग करने के बाद दोबारा नीड नहीं पड़ेगी? बिल्कुल पड़ेगी बेटा जी। मैनेजमेंट की जो प्रोसेस है वो कॉन्टिन्यूसली परफॉर्म होंगी। एक ऑब्जेक्ट अचीव हो जाएगा ऑर्गेनाइजेशन, फिर दूसरा ऑब्जेक्टिव सेट करेगी, फिर तीसरा ऑब्जेक्टिव सेट करेगी, और ये काम चलता रहेगा। क्योंकि मैनेजमेंट एक बिजनेस को परफॉर्म कर रहे हैं, यानी कि मैनेजमेंट कहां पर है, एक बिजनेस में है, और बिजनेस एक एंड गोइंग एंटिटी है, एक गोइंग कंसर्न है जो चलती रहती है, अपना ऑब्जेक्टिव नए नए सेट करती रहती है। तो जब जब नया ऑब्जेक्टिव सेट करेंगे उस ऑब्जेक्टिव को हमें अचीव करना होगा, और अचीव करने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ेगी? मैनेजमेंट की जरूरत पड़ेगी। तो बेटा जी मैनेजमेंट की प्रोसेस कंटिन्यूअसली चलती रहेगी, ऐसा नहीं है एक बार चला फिर मामला खत्म हो गया। चलिए जी आगे बात करते हैं इंपोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट के बारे में। इंपोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट क्या है बेटा जी, ये भी इंपोर्टेंट है बेटा। ट्रिक जो आपको बताई थी, ट्रिक एक बार लिखने के बाद में इनको बार बार रिपीट करते रहिएगा ताकि आपको लर्न रहे। जैसे नेचर इंपोर्टेंस, नहीं नेचर फीचर, इससे पहले हमने क्या पढ़ा था, नेचर फीचर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट क्या होते हैं, तो आपने सर हमें बताया था डायनामिक गर्ल्स ग्रुप यूजिंग माय इंस्टा कंटिन्यूअसली। तो इसमें जो फुल फॉर्म थी वो याद रखिएगा बेटा जी, वरना भूल जाते हैं। चलिए अब बात करते हैं इंपोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट की, मैनेजमेंट की क्या इंपोर्टेंस है। तो इसको हम ऐसे याद कर सकते हैं कि मैनेजमेंट की इंपोर्टेंस हमारे लिए ये है, मैनेजमेंट हमें गाइड करता है। तो सर हम इसको याद रखेंगे, इंपोर्टेंस ऑफ द मैनेजमेंट इज लाइक अ गाइड, मैनेजमेंट हमें गाइड करता है बेटा जी, हम याद रखेंगे इसको गाइड से। व्हाट इज द इंपोर्टेंस ऑफ द मैनेजमेंट, इंपोर्टेंस ऑफ द मैनेजमेंट इज अ गाइड, ये एक हमने कोर बना रखा है। जी मतलब ग्रुप गोल्स, तो यहाँ पे हम लिखेंगे मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग ऑफ ग्रुप गोल। मैनेजमेंट की इंपोर्टेंस ये है कि ये हमें ग्रुप गोल को अचीव करने में हेल्प करता है। साथ में यूजफुल इन डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन, सर ऑर्गेनाइजेशन जो है डायनामिक है, बदलती रहती है, ऑर्गेनाइजेशन एक इन्वायरमेंट में वर्क करती है, और इन्वायरमेंट के जो फैक्टर्स होते हैं वो चेंज होते रहते हैं, कॉम्पिटिटर्स बदल जाते हैं, कभी मार्केट में डिमांड सप्लाई बदल जाती है, कभी मार्केट में इन्फ्लेशन डिफ्लेशन जो ये बदलता रहता है। सर मार्केट में जो सर्कमस्टांसेस हैं, जो फैक्टर्स हैं मार्केट के, वो सेम नहीं रहते हैं, वो चेंज होते रहते हैं। तो जैसे जैसे वो चेंज होंगे, जैसे जैसे ऑर्गेनाइजेशन डायनामिक रहेगी, ऐसे ऐसे हमारा मैनेजमेंट भी डायनामिक रहेगा, अपनी पॉलिसी प्लान पॉलिसीज को एनवायरमेंट के हिसाब से, ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से हम चेंज करते रहेंगे। इसी को बोल रहा है कि अगर ऑर्गेनाइजेशन में होने वाले चेंजेस को आपको पकड़ना है, उनके साथ साथ रहना है, तो आपका मैनेजमेंट का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि मैनेजमेंट की यही इंपॉर्टेंस है, वो आपको हेल्प करेगा डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन में सेटअप करने में। चलिए जी इंक्रीजेज एफिशिएंसी, सर मैनेजमेंट की हेल्प से ही आप एफिशिएंसी को इंक्रीज कर सकते हैं, बात करके आ चुके हैं एफिशिएंसी के बारे में बहुत डिटेल में। डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी, सर मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस ये भी है कि ये सोसाइटी के डेवलपमेंट में भी हेल्पफुल होता है। साथ में एनहेंस करता है पर्सनल ऑब्जेक्टिव को, जो भी आपके पर्सनल ऑब्जेक्टिव हैं उनको अचीव करने में, जल्दी से अचीव करने में मैनेजमेंट आपकी हेल्प करता है। चलिए जी देख लेते हैं इनके बारे में, मैंने सब चीजों को यहाँ पे आपके लिए नोट डाउन कर दिया है स्लाइड्स में, आप इन नोट्स को अच्छे से लिख के लर्न करके चलें और हम बढ़ जाएंगे अपने 100 में से 100 के टारगेट की तरफ, कि आपके पक्का 100 में से 100 आएंगे अगर आप हमारे साथ चलते रहेंगे, इन चीजों को लर्न करते रहेंगे बेटा जी। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपके नंबर जरूर आने वाले हैं। तो सर ग्रुप गोल में हम क्या लिख सकते हैं, मैनेजमेंट गिव्स अ कॉमन डायरेक्शन टू द इंडिविजुअल्स डिपार्टमेंट्स लाइक फाइनेंस प्रोडक्शन एंड द परचेज फॉर अचीविंग द ऑर्गेनाइजेशनल गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। बेटा जी आपको ये जो हमने रेड रेड पोर्शन दे रखा है, ये हमारे इस हेडिंग के कीवर्ड्स हैं, आपको इन कीवर्ड्स को प्रयास करना है जरूर जरूर लिखने का, बाकी चीजों को आप अपने यूज के हिसाब से चेंज भी कर सकते हो, बाकी दिस दैट आप चेंज कर दें, लेकिन जो खतरनाक शब्द है, लाल मतलब मीनिंग ऑफ डेंजर, तो जो लाल में लिखे हुए हैं मेरे लाल, जो लाल में लिखा हुआ है वो याद रखना है। तो सर चेंजिंग एनवायरमेंट, इसका मतलब ऑर्गेनाइजेशन फंक्शन है क्या, चेंजिंग एनवायरमेंट ऑर्गेनाइजेशन का ये फंक्शन है, वो बदलता रहता है। मैनेजमेंट हेल्प करता है पीपल्स को अडेप्ट करने में दीज चेंजेस, ऑर्गेनाइजेशन बदलता रहता है और मैनेजमेंट उस बदलते इन्वायरमेंट में अपने लोगों को इस तरीके से ट्रेंड करता है कि वो भी उस इन्वायरमेंट के हिसाब से आसानी से बदल जाएं, जिसकी वजह से हमारा सर्वाइवल और ग्रोथ इजी हो जाता है। बिजनेस जिस इन्वायरमेंट में चलता है वो बदल जाएगा, मैनेजमेंट अपने लोगों को इसी हिसाब से ट्रेन करता है कि भैया तुम भी बदलते रहोगे, जैसा इन्वायरमेंट वैसे ही आप रहोगे, जिससे क्या फिक्स हो जाएगा,
जिससे हमारी ऑर्गेनाइजेशन की सर्वाइवल एंड ग्रोथ में कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि जैसे मौसम बदला ऐसे हम बदल गए, तो हमारी सर्वाइवल ग्रोथ पक्का है। जैसे सर जी लोकिया ने बेटा जी नोकिया ने लॉन्च कर दिया न्यू प्रोजेक्ट न्यू ब्रांड आफ्टर सम टाइम, जैसे कि नोकिया ने नए प्रोजेक्ट लॉन्च किए टाइम टू टाइम, इसको ही तो हम बोलते हैं। सर नोकिया के कॉन्टेक्स्ट में एक बात आपको और याद रखनी है, नोकिया मार्केट से आउट भी इसलिए ही हुआ था एक टाइम पे, क्योंकि नोकिया ने एंड्रॉइड को अडॉप्ट नहीं किया था। मार्केट में चेंज आया, एक नया एंड्रॉइड सिस्टम आया, एक नया एप्लीकेशन सिस्टम आया एंड्रॉइड। नोकिया ने कहा हमारे पास पहले से वो सपना है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, हमें नहीं चाहिए, हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। मार्केट में चेंजेस हुए, नोकिया के मैनेजमेंट ने वो चेंजेस अडेप्ट नहीं किए, तो ऑर्गेनाइजेशन का सर्वाइवल भी दिक्कत में पड़ गया, ग्रोथ तो भूल जाइए, मार्केट से बाहर हो गए। सर फिर आपने यहाँ बेटा यहाँ मैंने एग्जांपल लिया था कि नोकिया टाइम टू टाइम पे अपने प्रोडक्ट को बदल रहा था मार्केट की डिमांड के हिसाब से, एक चेंज और आया जिसको नोकिया ने अडेप्ट नहीं किया, तो नोकिया बाजार से बाहर हो गया। ऐसी लात लगी नोकिया को सर, वो भी रिकवरी ही नहीं कर पाया था। याद रख के चलेंगे, बाजार में होने वाले चेंज को आपको अडेप्ट करना है, वरना सर्वाइवल नहीं होगा, सर्वाइवल में दिक्कत आ जाएगी और आपकी ऑर्गेनाइजेशन पीछे रह जाएगी, आप डूब जाएंगे। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है बेटा जी। चलिए आगे बात करते हैं, इंक्रीजेज एफिशिएंसी, ये एफिशिएंसी को इंक्रीज करने में भी हेल्प करता है। कैसे? सर मैनेजमेंट ट्राई करता है कॉस्ट को रिड्यूस करने के लिए और प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए, इसी वजह से तो मैनेजमेंट रखा हुआ है। थ्रू बेटर प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग डायरेक्टिंग स्टाफिंग एंड कंट्रोलिंग दीज एक्टिविटीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, सर मैनेजमेंट अपने प्रोसेस के थ्रू एफिशिएंसी बढ़ाने का प्रयास करता है, जिसमें वो कॉस्ट कम करने का प्रयास करता है, आउटपुट ज्यादा करने का प्रयास करता है। तो सब इम्पोर्टेंस ही तो है, मैनेजमेंट की वजह से ही तो ये सब हो पा रहा है, मैनेजमेंट नहीं होता तो ये सब पॉसिबल नहीं था। डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी, सर मैनेजमेंट का ये काम भी है, ये इम्पोर्टेंस भी है कि वो हेल्प करता है सोसाइटी को क्या प्रोवाइड करने में, क्वालिटी प्रोडक्ट। सोसाइटी के लोगों को जैसी क्वालिटी प्रोडक्ट और सर्विस चाहिए, मैनेजमेंट ऐसी ही सर्विस प्रोवाइड करेगा, नहीं करेगा लोग नहीं खरीदेंगे, आप आउट हो जाएंगे। तो मैनेजमेंट इसलिए है ताकि लोग आपकी चीजों को खरीदें, लोग आपकी चीजों को तभी खरीदेंगे जब आप उनकी नीड के हिसाब से प्रोड्यूस करेंगे। तो ये चीज दिमाग में रख के चलेंगे। क्रिएट्स एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, सर जहां पे हमारी ऑर्गेनाइजेशन है वहां के लोगों को हम एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी देंगे, हम उन्हें रोजगार देंगे, जिस सोसाइटी में काम कर रहे हैं उस सोसाइटी के लोगों को हम रोजगार की अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेंगे। सर रिड्यूसिंग द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट फॉर द बेनिफिट ऑफ द पीपल, लोगों को लग रहा है महंगा है तो मैनेजमेंट इस चीज पे भी काम करेगा कि लोगों को प्रोडक्ट महंगा ना लगे, सस्ते से सस्ते दामों में मिल जाए बेटा जी। तो चलिए इसके बाद में हम बात करते हैं इंपोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट में। एनहेंस पर्सनल ऑब्जेक्टिव, सर पर्सनल ऑब्जेक्टिव को एनहेंस करने में भी ये हमारा हेल्प करता है मैनेजमेंट, थ्रू मोटिवेशन लोगों को मोटिवेट करता है, लीडरशिप प्रोवाइड करता है, हेल्प करता है इंडिविजुअल को ग्रोथ, बेटर रेमुनरेशन थ्रू टीम स्पिरिट, कोऑपरेशन कमिटमेंट फॉर द ऑर्गेनाइजेशन सक्सेस, ऑर्गेनाइजेशन के सक्सेस के लिए ये लोगों को मोटिवेट करता है, लीडरशिप प्रोवाइड करता है। कहने का मतलब सर एक तरीके से ये डायरेक्ट करता है लोगों को ताकि हम अपने गोल्स को अचीव कर पाए। चलिए जी अब आगे बात करते हैं लेवल ऑफ मैनेजमेंट के बारे में, अगली बहुत महत्वपूर्ण बात है। अभी हम पढ़ रहे थे मैनेजमेंट की क्या इंपोर्टेंस है, अभी हम पढ़ रहे थे मैनेजमेंट के क्या फीचर है, अब हम बात कर रहे हैं क्या मैनेजमेंट के कुछ लेवल भी होते हैं, टॉप लेवल मिडिल लेवल और लोअर लेवल। जैसे हम बात करते हैं हमारा लेवल तुम्हारे से ऊपर है, तुम्हारा लेवल अभी हमसे कम है, तो सर मैनेजमेंट में भी ऐसे लेवल बना हुआ है। जैसे फर्स्ट लेवल हमारा टॉप हो गया, सेकंड बेटा जी हमारा मिडिल हो गया, एंड थर्ड वन इज हमारा लोअर लेवल हो गया। अगर मैं आपसे ये बोलने लग जाऊं या आप मेरे से पूछने लग जाओ कि सर ये लेवल क्यों बनाए जाते हैं, क्योंकि सभी लोग ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने में लगे हुए हैं, तो फिर लेवल क्यों बनाए जाते हैं? बेटा जी लेवल इसलिए बनाए जाते हैं क्योंकि हमें ऑर्गेनाइजेशन में गोल को अचीव करने के लिए एक रिलेशनशिप क्रिएट करनी है, और उस रिलेशनशिप को हम बोलते हैं सुपीरियर सबोर्डिनेट रिलेशनशिप। तो एक रिलेशनशिप बनानी है सुपीरियर मतलब हमसे ऊपर वाला, सबोर्डिनेट हम उससे नीचे वाले। क्यों? सर सभी लोग एक ऑर्गेनाइजेशन में एक गोल को अचीव करने के लिए आए हैं और सारे एक ही लेवल पे होंगे, तो अब एक एम्प्लॉय दूसरे एम्प्लॉय से कहता है बेटा जी ये काम कर लो, उसकी ईगो हो जाती है हर्ट, तो वो कहता तुम कौन होते हो बे हमें बताने वाले हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं करना है, हैं हम नहीं करेंगे ये, ऐसा मान लेते हैं। तो सर एक अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप बनाई गई,
एक टॉप और लोअर लेवल रिलेशनशिप बनाई गई, एक सुपीरियर और सबॉर्डिनेट रिलेशनशिप की जरूरत पड़ी, जिसकी वजह से मैनेजमेंट में हमने तीन लेवल बना दिए, सबसे ऊपर वाला, मिडिल वाला और उसके नीचे वाला, ऐसे याद रखेंगे। तो जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि सर हम सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप बनाना चाहते थे, तो सुपीरियर और सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप बनाने के लिए हमें मैनेजमेंट के लेवल की नीड हुई। अब सर इस टॉप लेवल में कौन कौन लोग आएंगे दिख रहा है ना आपको, साहब बैठे हैं कुर्सी पे, तो इसी को बोल देते हैं बेटा जी चेयर पर्सन, वो आदमी जो कुर्सी पे बैठ जाते हैं बस। हमें तो ऐसी लगता है दूर से, अरे खाली बैठा रहता है पूरे दिन, क्या करता है, कुछ नहीं, ऐसा नहीं है, बहुत करते हैं, माइंड प्रोसेस होता है इनका। सर इसी तरीके से सर प्रेसिडेंट हो गए सर, सर इसी तरीके से वाइस प्रेसिडेंट हो गए सर, इसी तरीके से सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिंग ऑफिसर, सीएफओ चीफ फाइनेंसिंग ऑफिसर एटसेट्रा, इस तरीके के लोग हमारे टॉप लेवल मैनेजमेंट में आते हैं बेटा जी। फिर बात करें मिडिल लेवल मैनेजमेंट की, सर ये तो भोपू है, इसको तो भोपू की तरह बजाया जा रहा है, कैसे सर, ये इस आदमियों की सुनता है और उन बात को इनको लाकर बता देता है। तो सर कहने का मतलब पहली बात तो ये हो गई कि ये एक लिंक क्रिएट करते हैं। मान लो हमें डेफिनेशन ही बनानी पड़ रही है, बताओ व्हाट इज मिडिल लेवल मैनेजमेंट, हम बोलेंगे मिडिल लेवल मैनेजमेंट एक ऐसा मैनेजमेंट है जो लिंक क्रिएट करता है टॉप लेवल के और लोअर लेवल के बीच में। सर और क्या करता है, टॉप लेवल ने जो पॉलिसी प्रिपेयर करी है, फ्रेम करी है, उन पॉलिसी को इंटरप्रेट करता है, बताता है इन लोगों को कि साहब का ये आदेश है, हमें ये मिलके करना है। चलो सर, फिर सर ये कौन लोग हैं, सर ये जो टॉप पीपल ऑफ द हायरार्की हैं, जो सबसे ऊपर के लोग हैं, उनको हम बोलते हैं सर टॉप लेवल मैनेजमेंट के आदमी। फिर ये क्या करते हैं, सर ये प्लान एंड पॉलिसी बनाते हैं। सर जर्नली मैनेजमेंट की प्रोसेस के जो दो काम थे ना, स्टाफिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग, तो ये स्टाफिंग और ऑर्गेनाइजिंग वाला काम परफॉर्म करते हैं, आप ऐसे समझ सकते हैं। ये क्या करते हैं, जो इन्होंने प्लान पॉलिसी बनाए हैं उनको इम्प्लीमेंटेशन करने में हेल्प करते हैं, और उन प्लान एंड पॉलिसी को इनको बताते हैं और लिंक क्रिएट करते हैं टॉप और मिड लेवल के बीच में। फिर सर ये क्या करते हैं, जो सबसे नीचे वाले हैं बेटा, यही वो लोग हैं जो डायरेक्टली हमारे एम्प्लॉइज से, हमारे कर्मचारियों से जुड़े हुए हैं। फिर सर ये बेटा, ये तीनों भी ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉइज ही हैं, लेकिन ये कोर्ट वाले एम्प्लॉई हैं मेरी तरह। सर टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल, ये मैनेजर्स हैं, मैनेजर्स के बाद भी एम्प्लॉई होते हैं। तो वो एम्प्लॉई जो सीधा सीधा वर्क करते हैं वर्क ग्राउंड पर, वहां पर जो डायरेक्टली अवेलेबल रहते हैं, दैट आर द लोअर लेवल मैनेजर, क्योंकि जहां काम या ऑपरेशंस हो रहे होते हैं ये वहां अवेलेबल होते हैं, इसलिए इनको ऑपरेशनल मैनेजर्स भी कहा जाता है कि ये ऑपरेशनल मैनेजर है, काम पे यही है। तो इनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सर इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है मिडिल लेवल ने जो बताया है वो इम्प्लीमेंट कराया जाए। सर इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है वर्कर्स की सेफ्टी को इंश्योर करें। इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है फ्लोर पे हाइजीन मेंटेन कराएं। इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है क्वालिटी के साथ प्रोडक्शन कंप्लीट होना चाहिए। इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि लेबर के वेलफेयर को इंश्योर करें। तो लेबर की वेलविशिंग के लिए, उनके सेफ्टी के लिए, वर्क इन्वायरमेंट को अच्छा करने के लिए जो भी काम करेंगे ना सर, यही करेंगे कि ये जिम्मेदारी यहां तक आएगी और ये जिम्मेदारी सर टॉप लेवल तक आएगी। सर अब मिडिल लेवल में कौन कौन होते हैं जरा ये भी बता दो इसके एग्जाम्पल की, यहाँ कौन कौन लोग होते हैं। तो बेटा यहाँ जर्नली होते हैं डिपार्टमेंट के हेड, यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन का हेड टॉप लेवल पे, और यहाँ पे होता है डिपार्टमेंट के हेड। जैसे सेल्स एक डिपार्टमेंट है, तो डिपार्टमेंट सेल्स डिपार्टमेंट का जो हेड होगा वो मिडिल मैनेजर होगा, प्रोडक्शन का जो हेड होगा वो मिडिल मैनेजर होगा, ठीक है। इसी तरीके से एक वर्ड जो मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट है और आपको याद रखना है, प्लांट सुपरिंटेंडेंट। अगर प्लांट सुपरिंटेंडेंट वर्ड लिखा हुआ है तो वो भी बेटा जी मिडिल लेवल मैनेजमेंट होगा। फिर सर यहाँ कौन होंगे लोअर लेवल में, बेटा यहाँ होंगे सुपरिंटेंडेंट, फोरमैन, सुपरवाइजर, क्वालिटी कंट्रोलर, वो सारे चीजें इधर होंगी लोअर लेवल पे, जो सीधा ऑपरेशन को मैनेज करेंगे। चलिए बेटा जी अब आगे बात कर लेते हैं, इतनी सारी बात के बाद अब देख लेते हैं आगे कि लेवल ऑफ मैनेजमेंट में सीधी सीधी सी बातें लिखी हुई हैं, ऐसा क्यों है। सबसे यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि ये जो सर आपने लिखा हुआ है, इधर जो लिखा हुआ बेटा जी, इधर लिखा हुआ है हमने लोअर सबसे नीचे होते हैं, फिर मिडिल लेवल उससे ऊपर होते हैं, यानी कि ऐसे समझो मिडिल लेवल के लिए ये, लोअर लेवल के लिए सुपीरियर है और ये क्या है सबॉर्डिनेट है। लोअर लेवल सबॉर्डिनेट है और उसके लिए सुपीरियर कौन है, मिडिल लेवल। लेकिन जब हम बात करेंगे टॉप लेवल मैनेजमेंट की तो साहब बन जाएंगे सुपीरियर, और टॉप लेवल के लिए मिडिल लेवल क्या बन जाएगा, सबॉर्डिनेट। तो सुपीरियर सबॉर्डिनेट रिलेशनशिप अब ये यहाँ पे बन जाता है सुपीरियर,
और यहाँ पे बन जाते हैं ये सबोर्डिनेट। तो सुपीरियर सबोर्डिनेट रिलेशनशिप हम बनाते हैं, ठीक। और बाद में ये लोग, ये हायरार्की बनने के बाद में ये किस आधार पे काम करते हैं? सर ये काम करते हैं अपनी कोऑर्डिनेशन के बेसिस पे, आपस में मिलकर एक दूसरे को कोऑर्डिनेट करेंगे और काम करेंगे सर। चलिए जी, तो एवरी इंडिविजुअल इन अ हायरार्की इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सक्सेस सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ द पर्टिकुलर टास्क। ये एक कॉमन बात लिखी हुई है कि बेटा ऐसा नहीं है तुम ऊपर वाले हो, ये मिडिल वाले या लोअर वाले हैं, तो केवल ये मिडिल और लोअर वाले रिस्पॉन्सिबल होंगे। सब रिस्पॉन्सिबल होंगे, टॉप वाला भी, मिडिल लेवल वाला भी, सारे रिस्पॉन्सिबल होंगे। हमने केवल अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप बनाने की वजह से इंडिविजुअल, ताकि बाइंड हो जाए, एक दूसरे की बात सुने, ये रिलेशनशिप बनाई है रिस्पॉन्सिबिलिटी बनाने के लिए। और हमने सुपीरियर सबोर्डिनेट रिलेशनशिप बनाने के लिए हायरार्की बनाई है, वरना ये तीनों ही जिम्मेदार है ऑर्गेनाइजेशन के रिजल्ट को अचीव करने के लिए। गिव राइज टू द डिफरेंट लेवल इज एन ऑर्गेनाइजेशन, इसी वजह से जन्म हुआ डिफरेंट लेवल का एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो सर सुपीरियर सबोर्डिनेट रिलेशनशिप की वजह से जन्म होता है ऑर्गेनाइजेशन में लेवल का, बहुत सारे लेवल के। अब कुछ एग्जाम्पल लिखे हुए हैं, पहले भी एग्जाम्पल मैं बोल चुका हूँ बेटा जी आपके सामने, अब फिर से देखिए। सर टॉप लेवल मैनेजमेंट में कौन कौन है? प्रेसिडेंट है, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर है, चेयरमैन है। और अभी इससे थोड़ा पहले मैंने और दो तीन नाम और बोले थे, तो मैं ये आपको होमवर्क दे रहा हूँ, आप कमेंट होमवर्क क्या अभी कमेंट सेक्शन में मेंशन करें चार नाम और जो टॉप लेवल मैनेजमेंट में आएंगे। इसी तरीके से मिडिल लेवल में प्रोडक्शन हेड, ओ फिर से प्रोडक्शन लिख गया सर, प्रोडक्शन की जगह इसको लिख लो मार्केट हेड, और इधर फाइनेंस हेड। तो सर फाइनेंस का हेड, प्रोडक्शन का हेड, मार्केटिंग का हेड, तो किसी भी डिपार्टमेंट का हेड मिडिल लेवल में आता है। इसी के साथ तीन एग्जाम्पल आप और ढूंढेंगे, तीन एग्जाम्पल्स मेरे बेटा जी और ढूंढ के आप कमेंट करेंगे कि मिडिल लेवल के बाकी तीन एग्जाम्पल कौन से होते हैं, जल्दी से कमेंट कीजिए। लास्ट में ऑपरेशनल लेवल, या बेटा जी इसको अपन लोग क्या बोलते हैं, लो लेवल भी बोलते हैं। यहाँ पर सर सेक्शन ऑफिसर, सुपरिंटेंडेंट, सुपरवाइजर, और सर तीन नाम आपको यहाँ के भी जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिख के बताने हैं कि कौन कौन सा मिडिल में आता है। सर थोड़ा सा रिसर्च हमसे क्यों पूछो बेटा, आप अगर खुद से मेहनत नहीं करेंगे तो फिर आप जीतने का दम कैसे भर सकते हो? मैं आपको रास्ता दिखाऊंगा, उस रास्ते पे चलना आपको, ये मेहनत आपको करनी पड़ेगी। मैं बिल्कुल हेल्प करूंगा, मैं बताऊंगा कैसे मेहनत करनी है, लेकिन बेटा जी करनी मेहनत आपको ही है एंड ऑफ द डे, ये बात दिमाग में रख के चलें। चलिए जी अब बात कर लेते हैं टॉप लेवल मैनेजमेंट के क्या क्या फंक्शंस हैं। दैट इज फॉर द फंक्शन ऑफ द टॉप लेवल मैनेजमेंट। अब हम टॉप लेवल मैनेजमेंट के फंक्शंस के बारे में बात कर रहे हैं कि हमारे टॉप लेवल मैनेजमेंट क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं। एक मिनट रुकेंगे बेटा जी, टॉप लेवल मैनेजमेंट, ये टेक्नोलॉजी कैसे तंग कर रही है हमें। सर यहाँ पर हम बात कर रहे हैं फंक्शन ऑफ टॉप लेवल मैनेजमेंट, और मेरे हिसाब से ये फंक्शन इंपॉर्टेंट है आपके लिए, चाहे टॉप लेवल हो, चाहे मिडिल लेवल हो, चाहे लोअर लेवल हो। केस स्टडी का क्वेश्चन यहाँ से कभी कभी पूछ लेता है, एक क्वेश्चन बनाएगा, फिर आपसे कहेगा, उसमें नाम दे देगा ए बी सी यहाँ काम करता है, फिर आपसे कहेगा बताओ ए कौन से लेवल का था, और फिर ये कहेगा बताओ मिस्टर ए को क्या क्या वर्क परफॉर्म करने हैं ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो उन्हीं को बोलते हैं फंक्शन। तो मोस्ट इंपोर्टेंट है आपके पेपर के लिए 23-24 एग्जाम के हिसाब से, तो ढंग से सुन के चलेंगे, सबसे ज्यादा खतरनाक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सर जी टॉप लेवल मैनेजमेंट क्या करता है? सर अभी तो आपने बताया था, सबसे ऊपर बैठ के पूरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए जिम्मेदार है, शाहरुख खान की तरह पूरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए जिम्मेदार है। सर इससे नीचे वाले मिडिल वाले लोग, वो अपने डिपार्टमेंट के लिए जिम्मेदार है, तो वो अपने डिपार्टमेंट के लिए जिम्मेदार है, ये पूरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए जिम्मेदार है, शाहरुख खान हो रहा है ये, तो सर ये सबके लिए जिम्मेदार है। तो इंटीग्रेट डाइवर्सिटी एलिमेंट टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। सर ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए ये डाइवर्सिटी एलिमेंट को क्या करता है? इंटीग्रेट करता है। बहुत दूर दराज से आए हुए लोग ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, सबका उद्देश्य ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अचीव करना है, तो वो सारे लोग आपस में लड़ना पड़े, तू इधर का है, तू उधर का है, तू यहाँ का है, तू वहां का है, तू इस बरादरी का, मैं इस बरादरी का। सर ये वाली दिक्कत ना हो जाए, टॉप लेवल मैनेजमेंट को इंटीग्रेट करना है, सब लोग मिलके चलें। भैया आप कुछ हो भी हो, आपको कोई भी पर्सनल ऑब्जेक्टिव हो, यहाँ पर हम काम कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए, तो अपनी सारी पर्सनल प्रॉब्लम साइड रखो, ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अचीव करो। ये करने के लिए टॉप लेवल मैनेजमेंट ही आपको प्रमोट करेगा, यही वही आपको समझाएगा और सब लोगों को इंटीग्रेट कर देगा, यही काम है उसका। सर उसके बाद देखिए डिसाइड लॉन्ग टर्म गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, वो ऑर्गेनाइजेशन के गोल को डिसाइड करता है। कैसा गोल? सर लॉन्ग टर्म गोल क्या होगा ऑर्गेनाइजेशन का, ऑर्गेनाइजेशन को क्या अचीव करना है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम में, ये डिसाइड करेगा टॉप लेवल का आदमी। सर सर कॉम्प्लेक्स एंड स्ट्रेसफुल फंक्शन है इसका, दिस फंक्शन इज कॉम्प्लेक्स एंड स्ट्रेसफुल। सर बहुत मुश्किल काम है,
बहुत दर्द होता है, बहुत स्ट्रेस होता है इन लोगों को सोचने में। हमें तो ऐसा लग रहा है कुर्सी पे खाली बैठा है, लेकिन वो कुछ सोच रहा है सर कि ऑर्गेनाइजेशन को कैसे आगे ले जाएं। सर डिमांडिंग लोग और ज्यादा से ज्यादा टाइम देना पड़ता है एंड कमिटमेंट टू द ऑर्गेनाइजेशन। तो सर इनका फंक्शन क्या है, इनकी कमिटमेंट रहती है ऑर्गेनाइजेशन के लिए, लॉन्ग डिमांडिंग आवर्स की जरूरत पड़ेगी, कमिटमेंट। सर एक तरीके से फंक्शन क्या, एक तरीके से हम ये कह सकते हैं सर जी क्या जरूरत है ऑर्गेनाइजेशन में, इस तरीके से देख सकते हैं, लेकिन लिखेंगे चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लास्ट में बेटा जी एनालाइज द बिजनेस इन्वायरमेंट, बिजनेस इन्वायरमेंट को भी एनालाइज करता है, मौसम बदलता रहता है, तो सर उस बदले हुए मौसम में हमारे जो एम्प्लॉयज हैं वो भी बदले बदले नजर आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। अगर नहीं बदल रहे हैं तो फिर रिजल्ट कैसे अचीव करेंगे, तो उनका बदलना भी जरूरी है। मौसम की तरह तुम भी बदलना ही है, बदल तो नहीं जाओगे नहीं, मौसम की तरह तुम भी बदल ही जाना, वरना तो अचीव नहीं कर पाओगे ऑर्गेनाइजेशनल के रिजल्ट को। तो एनालाइज करते हैं, ये एनालाइज करते हैं क्या बिजनेस इन्वायरमेंट क्या है, क्या हुआ है उसमें, एंड इट्स इम्प्लीकेशन फॉर द सर्वाइवल ऑफ द फर्म। सर एनालाइज करते हैं बिजनेस के इन्वायरमेंट को, अगर वो चेंज हुआ है तो देखते हैं उसका क्या इम्प्लीकेशन पड़ेगा, उस चेंज का हमारे ऊपर क्या फर्क पड़ेगा, और उसी हिसाब से ये ऑर्गेनाइजेशनल के फर्म के सर्वाइवल को क्या करते हैं सर, फिक्स करते हैं। अच्छा मौसम बदला है, एम्प्लॉइज को कितना बदलना है, ये एनालाइज करते हैं, फिर तो देखते हैं कितना फर्क पड़ेगा ऑर्गेनाइजेशन पे इन्वायरमेंट के बदलने का, उतने ही अपने एम्प्लॉइज को ये बदल देते हैं, यही इनका काम होता है सर। उसके बाद इंटीग्रेट कर देते हैं, डिटरमाइन करते हैं लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव, कॉम्प्लेक्स स्ट्रेसफुल, ये एनालिसिस ये जस्ट अभी अभी हमने पढ़ा है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की सर, और क्या करते हैं ये सर, ये डेवलप करते हैं, स्ट्रेटेजी फॉर द अचीवमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशनल गोल, ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव करने के लिए ये स्ट्रेटेजी बनाते हैं, रणनीति बनाते हैं, इसको बोलते हैं रणनीति, रण को जीतने वाली नीति, रणनीति। चक्रव्यूह महाभारत में सुना होगा, अभिमन्यु, चक्रव्यूह घुसना और तोड़ना। तो सर ऑर्गेनाइजेशन के लिए रणनीति बनाते हैं ताकि हम अपने कॉम्पिटिटर से कैसे लड़ेंगे, हम किस तरीके से मार्केट में अपने प्रोडक्ट को बेचेंगे, डिमांड सप्लाई कैसे हमें अचीव करनी है, कैसे उसका इक्विलिब्रियम बनाना है, इन सभी बातों को यही यही उनकी रणनीति बनाएंगे सर। सर रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्टिविटीज ऑफ द बिजनेस एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी, सर यही रिस्पॉन्सिबल है सारी एक्टिविटीज के लिए, और बिजनेस पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा इसके लिए सर कोऑर्डिनेट करते हैं। क्या कोऑर्डिनेट करते हैं, एक्टिविटीज किसकी, डिफरेंट डिपार्टमेंट की जो एक्टिविटीज हैं उनको कोऑर्डिनेट करते हैं, जोड़ते हैं ताकि वो दिक्कत ना कर दें आपस में, एंड रिस्पॉन्सिबल हैं वेलफेयर एंड सर्वाइवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन के वेलफेयर और सर्वाइवल के लिए रिस्पॉन्सिबल है। सर इतनी सारी याद करनी पड़ेगी बेटा जी, आप तीन से चार तो याद रखेंगे ही रखेंगे, आप ऐसे समझ लो मैक्सिमम चार नंबर में एक का पूछता है, तो आपको चार पॉइंट हेडिंग लिखनी है, फिर उनको एक्सप्लेन करना है अकॉर्डिंगली, तो आपको ये चारों बेटा जी याद रखनी है। सर आपने तो इतनी सारी लिखा दी, फिर हम कैसे याद करेंगे, तो टेंशन काहे को ले रहे हो, काहे को टेंशन लेते हो तुम जब हम इधर अवेलेबल हैं, ठीक, नो फियर व्हेन सोबित सर इज ही, नहीं सर हम टेंशन नहीं ले रहे, आप बता दो। तो बेटा जी आप इसको ऐसे याद रखोगे, हम इन सारे पॉइंट्स को इस तरीके से याद रखेंगे, किस तरीके से याद रखेंगे बेटा जी, इस तरीके से याद रखेंगे आई डू, ठीक, आई डू सी ए, आई डू सी ए, और फिर आप याद रखोगे डेबिट क्रेडिट, ठीक, आप याद रखोगे इस कोड को, आई टॉप लेवल मैनेजमेंट क्या बोलता है, आई डू सी ए फॉर डेबिट एंड क्रेडिट, आप इसको इस तरीके से याद रखोगे। मैं फिर से लिख देता हूं, ये कहता है तुम टेंशन मत लो, टॉप लेवल मैनेजमेंट कमिटमेंट कर रहा है कि मैंने सीए कर रखी, आई डू सीए किसके लिए, फॉर डेबिट क्रेडिट, कह रहा तुम टेंशन मत लो, ऑर्गेनाइजेशन का डेबिट क्रेडिट मैं संभाल लूंगा सर, सीए नहीं क्रेडिट, आई डू डेबिट क्रेडिट, क्योंकि मैंने क्या कर रखी है सीए, ओहो सीए कर रखी है टॉप लेवल ने, तो आई डू सीए फॉर डेबिट क्रेडिट, इस कोड से आप याद रखेंगे। सर आई का मतलब इंटीग्रेट से था, सर डी का मतलब डिसाइड लॉन्ग टर्म गोल से था, सर सी का मतलब कॉम्प्लेक्स एंड स्ट्रेसफुल जॉब से था, सर ए का मतलब एनालाइज करने से था, इसके बाद क्या था सर जी, इसके बाद बेटा जी था आपका नेक्स्ट, इसके बाद आपका नेक्स्ट था बेटा जी डी, डी का मतलब डेवलप स्ट्रेटेजी से था, इसके बाद आर रिस्पॉन्सिबल से था, सी कोऑर्डिनेशन से था, आर का मतलब फिर से रिस्पॉन्सिबल फॉर द सर्वाइवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन से था, तो आई डू सी ए फॉर डेबिट क्रेडिट, आप इतना याद रखेंगे बेटा जी। चलिए जी अब आगे बात करते हैं,
मिडिल लेवल मैनेजमेंट के फंक्शंस के बारे में कि मिडिल लेवल मैनेजमेंट के क्या क्या फंक्शन होते हैं। टॉप लेवल का हम बात कर चुके हैं, अब मिडिल लेवल मैनेजमेंट के फंक्शन के बारे में बात करते हैं कि मिडिल लेवल क्या क्या काम करते हैं बेटा जी, अब हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। सर हम इसको कैसे याद करेंगे, इसका भी कोड बता दो। बेटा बता देता हूँ इसका भी कोड, चलिए लिखिए इसका कोड। ये क्या बोलता है, ये बेटा जी ये बोलता है ऑर्गेनाइजेशन से, क्योंकि इसके भी तो फंक्शन है, तो ये क्या फंक्शन करेगा, ये क्या काम करेगा, ये पता है क्या बोलता है, कहता है आई एम रिस्पॉन्सिबल। क्या है ये, आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर, क्या बोलता है बेटा जी ये, आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर मोटिवेशन कोऑर्डिनेशन, आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर मोटिवेशन कोऑर्डिनेशन एंड असाइनिंग ड्यूटीज। इसका कोड याद रखेंगे आप, आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर मोटिवेशन ऑपरेशन एंड लास्ट में क्या था बेटा, ड्यूटीज। ठीक है, मोटिवेशन ऑपरेशन ठीक एंड ड्यूटीज असाइनिंग ड्यूटीज। ये देखो यहां पे बेटा जी कैसे बनाया हमने, ये आई एम ये पूरा वर्ड ले लिया, रिस्पॉन्सिबल ये पूरा वर्ड ले लिया, मोटिवेशन ठीक, उसके बाद में उसके बाद में बेटा जी सी देखो कोऑपरेशन, कोऑपरेट करेंगे तो कोऑपरेशन, तो यहाँ पे बेटा जी आ गया हमारा सी फॉर कोऑपरेशन ठीक, और ए फॉर ये था हमारा असाइनिंग ड्यूटीज ठीक। तो ये क्या बोल रहा था, ये कह रहा था आई एम रिस्पॉन्सिबल, किसके लिए रिस्पॉन्सिबल था ये, फॉर ऐसे ही है, देखो रिस्पॉन्सिबल पूरा वर्ड आया। देखो हम कोड्स में कुछ पूरे वर्ड इसलिए रखते हैं क्योंकि आप आई और एम का भी अगर भूल जाते हो तो आपको कुछ वर्ड तो लॉन्ग में पूरे मिल रहे हैं, तो आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर कोऑपरेशन, तो ये कोऑपरेशन करता है, लिखा तो हुआ है कोऑपरेटिंग विद अदर डिपार्टमेंट्स, तो आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर कोऑपरेशन एंड असाइनिंग ड्यूटीज ठीक, एंड असाइनिंग ड्यूटीज, इतना याद रखोगे बेटा जी। तो यहां पर रिस्पॉन्सिबल कोऑपरेशन एंड असाइनिंग ड्यूटीज, ये शब्द तो आपको पूरे एज इट इज ही मिल जाएंगे, आप इन कोड्स को रेगुलरली, ये थोड़े से इंटरेस्टिंग हो जाते हैं बच्चा जी, बाकी कुछ नहीं है, थोड़े से इंटरेस्टिंग हो जाते हैं, तो आप इनको पूरी वीडियो देखने के बाद में प्रयास करना हल्का सा मेमोराइज करके कमेंट सेक्शन में पूरा लिख दो कि आई का मतलब ये था, एम का मतलब ये था, रिस्पॉन्सिबल में किस चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, कोऑपरेशन में किस चीज का कोऑपरेशन था, अदर डिपार्टमेंट के साथ वाला था, और इसमें असाइनिंग ड्यूटीज जो था वो आप सब लिख कर चलेंगे। चलिए जी अब बात करते हैं लोअर लेवल मैनेजमेंट की। अब ये लोअर लेवल मैनेजमेंट क्या कहता है, सर ये लोअर लेवल मैनेजमेंट बेचारा पता क्या कह रहा है, कह रहा है जी मैं तो दुखी हो लिया, टॉप लेवल मिडिल लेवल को बताता है, वो उसकी बात अपनी साथ में जोड़ के मुझे बता देता, मैं तो जी दुखी हो लिया, और इनकी बात सुन सुन के मैं हो गया स्लिम। तो सर इसका फंक्शन क्या है, इसका फंक्शन होगा बेटा जी हमारा स्लिम, इसको आप याद रखेंगे शॉर्ट में, ये तो इन दोनों की भसड़ सुन सुन के क्या हो गया जी, स्लिम हो गया सर, SLIM। वैसे जहां पे मैंने इनके फंक्शन बताए थे ना बेटा जी, मैं वहां आपको ये सारी बातें एक्सप्लेन करके आया था ऑलरेडी, आपने देखा होगा, मैंने पता क्या बोला था वहां पे, ये सारी बातें बोली थी कि ये फ्लोर पे जाके हाइजीन मेंटेन रखेगा, ये लेबर्स को बताएगा क्या करना नहीं करना, तो वही सारी बातें यहाँ आएंगी बच्चा जी। तो देखो सोल्विंग वर्कर्स प्रॉब्लम, वर्कर की प्रॉब्लम को सोल्व करना है कैसे, और जो वो कंप्लेंट करते हैं, इंश्योरिंग प्रॉपर वर्किंग एनवायरमेंट एंड द सेफ्टी ऑफ द वर्कर, सर वर्कर की सेफ्टी के दिमाग में रखना है, प्रॉपर वर्किंग कंडीशन उनको प्रोवाइड करनी है, उनकी प्रॉब्लम को सोल्व करना है। सर हम यहीं से दो हेडिंग बना दे, बना सकते हो बेटा जी, लिंक क्रिएट करता है किस किस के बीच में, वर्कर्स एंड मिडिल लेवल के बीच में, काम करने वाले जो वर्कर हैं जो ऑपरेशन को परफॉर्म कर रहे हैं उनके बीच में, और मिडिल लेवल के बीच में लिंक बना रहा है, मिडिल लेवल किसके बीच में लिंक बना रहा था, टॉप और ऑपरेशनल लेवल के बीच में। लास्ट में इंस्ट्रक्शन ऑफ द मिडिल लेवल मैनेजमेंट टू द वर्कर आर पास्ड, सर ये जो मिडिल लेवल ने अपनी बातें बताई हैं उन बातों को यहां तक ट्रांसफर करता है, और लास्ट में मेंटेन करता है क्वालिटी ऑफ द आउटपुट, वेस्टेज ऑफ द मटेरियल, एंड मिनिमाइज करता है सेफ्टी स्टैंडर्ड को, मिनिमाइज नहीं बेटा जी, हाँ मिनिमाइज एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स आर मेंटेन, ये चेक करता है सेफ्टी स्टैंडर्ड मेंटेन हुए हैं नहीं हुए हैं। ये थी आपकी आज की क्लास, क्लास पूरी देखा करें, जो नीडी बच्चे हैं उन तक भी शेयर करते रहा करें बेटा जी। अब हम बात करेंगे आज से लास्ट क्लास में, इसके नेक्स्ट क्लास में
हम आपको आगे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कराने वाले हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके लिए आप वेट कीजिए मैनेजमेंट की 4th वीडियो का। जब तक के लिए घर पे इन क्लासेस को देखते रहें और पढ़ते रहें।